क्या चाहिए? आ रहे हैं तो सुन सलीच इधर आ रहे हो आप? देवानंद जी कहाँ हैं? बुला लो आप, इधर आ रहे हो। एक चेयर ले लो आप देवानंद जी, दो चेयर और ले लो राजा राम, चेयर ले लो ना, इसको इधर आ जाने दो, आप यहाँ एक चेयर और ले लो। करवा लेते हैं तो इनके सीनियर भी आ गए। आ रहे हैं देवानंद जी? बधाई हो देवानंद जी, आपका केस खुल गया। आइए तो आप ही हैं। पीछा छूट गया, कभी तो बात भी नहीं बढ़ा, पीछा छुड़ाओ। करें, शुरू करें। शुरू करें। दिनांक 4/3/2021 को गोलूवाला कस्बे में श्रीमती शीतल उनकी जलाकर हत्या कर दी गई थी। जलने के बाद उनको गंगानगर, बीकानेर और जयपुर वो जैर इलाज रहीं और जयपुर में उन्होंने SMS हॉस्पिटल में दम तोड़ा। घटनाक्रम या हत्याकांड जो कहें, बहुत ही दर्दनाक था जलाकर इस तरीके से मारा जाना, और बहुत संवेदनशील भी था क्योंकि एक महिला को जिस तरीके से जला के मारा गया, और विशेष रूप से उसके बाद कुछ इस तरह की भी जानकारी आई, कुछ इस तरीके के आरोप भी आए। FIR जो हमें दी गई उसमें एक व्यक्ति पर आरोप लगाए गए जो पूर्व में इसी महिला के खिलाफ बलात्कार के केस में जिसका चालान किया जा चुका था और जो जमानत पर था, कि उस व्यक्ति ने पर शक जाहिर किया गया कि हो सकता है कि उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया हो। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, हमने पूरा प्रयास किया। एडिशनल SP नौहर, एडिशनल SP हनुमानगढ़, DYSP प्रशांत कौशिक, DYSP श्री देवानंद जी और SHO गोलूवाला, इंस्पेक्टर साहब श्री रविंद्र जी, दिनेश सारंग जी, एक पूरी टीम, स्पेशल टीम जो DST और राजा राम जी, सभी की एक टीम को लगाकर रणवीर मीना, CO रावत सर, उनके द्वारा हमने प्रयास किया कि इस हत्याकांड के पूरे खुलासे हेतु हर एंगल पे जांच की जाए। यदि जो नामजद आरोपी है, यदि उसका कोई रोल है तो उसको हम जल्दी से जल्दी पता लगाने का प्रयास करें, अन्यथा इस घटनाक्रम में, इस हत्याकांड को अंजाम देने में जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है उसके खिलाफ हम पुख्ता अनुसंधान करके आइडेंटिफाई करें कौन है, उसको गिरफ्तार करें और गिरफ्तारी के बाद इसमें पूरा अनुसंधान पूरा करें। काफ़ी प्रयासों के बाद इस घटनाक्रम को खोलने में हमें सफलता हाथ लगी है। जो आसूचना तंत्र हमारा यूज़ किया गया, हमारे द्वारा तकनीकी विश्लेषण किया गया, मुखबिर से सूचना ली गई, महिला का पति झुंझुनू ज़िले का रहने वाला है, वहाँ तक हमारे द्वारा पूरी गहन अनुसंधान किया गया और उसके बाद ये तथ्य सामने आया कि महिला के पति द्वारा ही महिला को मारा गया है।
हत्या का मुख्य मोटिव जो पति का ये रहा कि वो अपनी बच्ची को यहाँ से लेके जाना चाहता था, उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर भी कुछ शक था और इस वजह से उसने अपनी बच्ची को लेने के लिए इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पहले दिन जो फुटेज में जो व्यक्ति दिखाई दिया था वो वही था या कोई और था? फुटेज में जो व्यक्ति दिखाई दिया है वो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, मास्क लगाया हुआ था और व्यक्ति ने, लेकिन वो व्यक्ति वही था, महिला का पति कृष्णी था जो झुंझुनू हुकमा के ढाणी का रहने वाला है और उसने स्वयं वहाँ से गोलूवाला कस्बे में वो दिन के समय में आया है और उसके बाद रात्रि को ये घटना को अंजाम दे के सीधा स्वयं ही वापस अपने गाँव लौट गया। अभी तक के अनुसंधान में एक व्यक्ति की भूमिका सामने आई है, इसके अलावा यदि हम और भी बिंदुओं पर कर रहे हैं, यदि कोई और व्यक्ति आता है, अन्य लोगों की कोई भूमिका रही है तो उसके बारे में और आगे खुला सकते हैं। उसमें मोबाइल नहीं था क्या उसके पास, ऐसे कि मोबाइल डंप वगैरह उठाया था, फिर भी इतने दिन पता नहीं लगा, बिना मोबाइल के आया था? अब तक की जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार हत्यारे ने कोई मोबाइल का उपयोग इस पूरे घटनाक्रम में नहीं किया, इसी कारण से तो पता नहीं लगा, शायद पहले नहीं, इसीलिए किसी भी केस के अनुसंधान में सिर्फ हम मोबाइल के एनालिसिस पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं, आसपास के लोगों ने क्या देखा, किसने क्या उसको दिन में भी किसने देखा, रात को किसने देखा, घटना अंजाम देने के बाद वो कहाँ से आया, कहाँ से वापस गया, जहाँ व्यक्ति जहाँ का रहने वाला है उसकी घटना के समय उपस्थिति कहाँ थी, उसका व्यवहार किस प्रकार का था, उसका चाल ढाल किस प्रकार की थी और उसने घटना को अंजाम देने के बाद भी उसका वहाँ पर कब तक वो पहुँचता है, इन सब चीज़ों पे गहरा अनुसंधान किया जाना है। जैसे कई दिन लगे हैं तो अगर मोबाइल यूज होता, क्योंकि डाउट वोट तो पहले भी था, वो डाउट तो था ही उस पर, तो शायद वो जल्दी पकड़ में आता, मोबाइल नहीं था तो इस कारण से उसके पहुँचने में थोड़ा समय लगा। अनुसंधान के कई बिंदु होते हैं, निश्चित रूप से यदि मोबाइल हो तो उसमें भी हमें अनुसंधान में मदद मिलती है, लेकिन इस घटनाक्रम में जहाँ तक है कि व्यक्ति ने संभवतः मोबाइल का उपयोग नहीं किया। पुलिस को कैसे शक हुआ कि वो हो सकता है? हमारे पास अनुसंधान में कई व्यक्ति थे जिन पर हमने अलग अलग समय पर कुछ शक की गुंजाइश रही, उसमें से जब हमने ये व्यक्ति झुंझुनू हुकमा की ढाणी का रहने वाले हैं वहाँ पर ये जहाँ काम करते हैं उसके आसपास के लोगों से पूछताछ की, पूरा मुखबिर तंत्र सक्रिय किया, इनकी भूमिका, इनका व्यवहार क्या रहा और इसके अलावा इनका आना जाना, इनके पास कौन कौन से साधन हैं, यातायात के साधन ये कौन सा यूज़ करते हैं, पूरी तरह की सारी डिटेल जानकारी प्राप्त करके उनके सीसीटीवी फुटेज, उनका भी अवलोकन किया, उनका भी अनुसंधान और विश्लेषण किया, उसके आधार पर हम इस बात को एस्टेब्लिश करने में कामयाब रहे और फिर मुलजिम द्वारा भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया गया। इसके पास केरोसिन था, केरोसिन कहाँ से आया इसके पास? जो अभी प्रारंभिक जानकारी दी गई है मुलजिम के द्वारा, अभी इसको हम पुख्ता करेंगे, पर उसके अनुसार इसने वहाँ से आने के दौरान रास्ते में रावतसर के आसपास कहीं से इन्होंने ये ज्वलनशील पदार्थ खरीदा है और जो ग्लव्स को फेंकते हुए वीडियो आप सभी ने देखा भी होगा तो ग्लव्स भी पीलीबंगा के आसपास से खरीदना बताया। घटना से वो पहले दिन में ही गोलूवाला कस्बे में एंटर कर चुका था। मैडम इसको बहुत दिन पहले भी थाने में बिठाया रखा था, उस वक्त कुछ नहीं निकल गया इससे, हम पूर्व में भी पूछताछ कर चुके थे, मैंने जैसा पहले भी कहा कि हमारे पास संदेह की कई लाइनें चल रही थी क्योंकि कई सारी परिस्थितियां तथ्य इस प्रकार के हमारे सामने आए जिसमें कि ये चीज़ सामने आई कि घटनाक्रम से संबंधित बहुत सारे तथ्य जो हैं वो वास्तविकता से मैच नहीं कर रहे थे, तो उन क्योंकि उसकी भूमिका हमारे सामने इस केस में अब तक नहीं आई है तो हमने उनसे पूछताछ की थी, पूछताछ के लिए राउंडअप भी किया था, वापस उनको पुनः उनके परिजनों के सपोर्ट भी किया जा चुका है। एक बार में एक क्वेश्चन करेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगी। वारदात में भी इसलिए क्लियर हो चुका है कि उसका पति है, तो वो क्या पति को जिस दिन घटना के दौरान उसके बॉडी जगह गए थी या कितना भी मास्क लगाया वो समझ सकती है महिला भी पति है, उसने वीडियो क्यों वायरल किया कि उसकी पति को? अब इस तथ्य को कहना कि मृतका ने क्यों किया ये तो मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन जो क्योंकि पहला संदेह जनरली जो जाता है क्योंकि उसके साथ उसकी रंजिश थी, ये बलात्कार का केस भी हो चुका था, कोर्ट में चल रहा है उनका केस और इसके अलावा इनके कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी थे जो इस अनुसंधान के दौरान हमारे सामने आए, तो एक जाहिरा तौर पे शक जो होता है वो जाहिर हो सकता है कि उसने शक जाहिर किया और शक के बिना पर इस प्रकार का किया हो, पर वास्तविकता क्यों है कैसे है मैं नहीं कह पाऊंगी,
लेकिन हमारे अनुसंधान में स्पष्ट तौर पर आया और मुलजिम ने भी इसको स्वीकार किया कि उसने अपने बेटी को पाने की इच्छा से और पत्नी पर शक होने की वजह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। मैडम, इसमें गुत्थी को सुलझाने में इतना समय क्या कारण रहे कि इतना समय लगा पुलिस? घटनाक्रम में क्योंकि वीडियो जैसा आप सभी ने देखा था, लेकिन उस वीडियो से व्यक्ति का चेहरा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा था। कुछ कई ऐसे व्यक्ति थे जो इस दौरान जो इस तरह के मुख्य रूप से उसकी ललाट और हेड मतलब हेयर्स वगैरह किस तरफ से कट है क्या है उसके आधार पे कई लोग आए जो सामने आए। हमने ला के पूछताछ भी की, इवन इनके पति से भी हम पूर्व में पूछताछ कर चुके थे, लेकिन क्योंकि पुख्ता जानकारी जब उसके बाद इनके व्यवहार की चाल ढाल की इनकी या उनका मूवमेंट कब कहाँ थे क्या थे उस सब के बारे में जो पूरी जानकारी जुटाई गई, सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया गया, तो जानकारी में हमारे पास वहाँ झुंझुनू में जो जहाँ इनकी दुकान है घर है उसके आसपास के रहने वाले लोगों से घटनाक्रम के दिन से ही हम सब यहाँ पर तो अनुसंधान कर ही रहे थे, एक टीम हमने वहाँ भी लगा रखी थी, तो उसमें कुछ तथ्य हमारे सामने आए जिसके आधार पर हम पूर्व में शक होने के बाद भी थोड़ा इसको एस्टेब्लिश करने में हमें समय लगा कि जो मृतका का पति है कृष्ण इसी ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। छोटा सा सवाल है, क्या उस वीडियो के बारे में पुलिस जांच करेगी जो वीडियो किसने बनाया या क्या मंशा थी वीडियो में? किसी भी केस के अनुसंधान में सभी एंगल को पूरी तरह से तलाशा जाता है, तो हम इस एंगल की भी पूरी जाँच करेंगे कि वीडियो किसने बनाया और उसका मोटिव क्या हो सकता है या किस प्रकार से ये वीडियो बनाया, इसकी क्या सत्यता हो सकती है। निश्चित रूप से सभी अनुसंधान अधिकारी मेरे पास बैठे हैं, सभी तथ्यों की पूरी जांच की जाएगी। मैंने उसके भाई को अरेस्ट किया था मटका के, कि उसने कहा कि मैंने गेट तोड़ के खोला है, दीवार लटकी हुई थी, लेकिन पुलिस कह रही है दीवार ऐसा कुछ हमें मिला नहीं, उसके अंदर आपका क्या कहना है? मैं आपको बता दूँ कि मृतका के भाई को हमने कभी भी अरेस्ट नहीं किया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। निवार जो है वहाँ पर मौके पर हमें मिली थी, जो उसी घर में ही जो चारपाई बनी होती है उसी की निवार वहाँ पड़ी हुई थी और वैसे ही वहाँ कई निवार के टुकड़े हमने घर में पड़े हुए पाए, उसी में से एक निवार के टुकड़े को जो अब मुलजिम पकड़ा गया है उसने गिरफ्तार किया गया, उसने बताया कि उसने वहीं से उस निवार के टुकड़े को उठा के उसको बांधा ताकि यदि इस कमरे में कोई व्यक्ति सो रहा है तो वो जल्दी से बाहर ना आ पाए। उसको पता था कि इस कमरे में ये सो रहा है, इस कमरे में ये सो रहा है। गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई है कि मुझे ज़्यादातर क्योंकि वो उसका पति ही था कि इस कमरे में जनरली मृतका का भाई या फिर कभी कभी उसके पिता जो यहाँ आते थे वो सोया करते थे, तो ये मानते हुए कि एक मेल मेंबर यहाँ सो रहा होगा तो उसने उसको बताया कि मैंने यहीं से निवार का टुकड़ा उठा के उसको बंद कर दिया। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है इसके हत्यारोपी पति से, क्या बताया उसने कि कोई और भी साथ था या वो अकेला ही झुंझुनू से आया था और अकेले ने वारदात की? अब तक के अनुसंधान में उसने यही बताया है कि उसने स्वयं इस घटना को कारित किया है और वो स्वयं ही इस घटना को कारित करने के लिए आया था, लेकिन मुख्य मुलजिम ये है, ये निश्चित रूप से है। आगे यदि कोई और इन्वॉल्व है तो हम अभी इसमें और अनुसंधान करके स्थिति को स्पष्ट कर पाएंगे। नहीं, यही बताया गया मृतका के भाई के द्वारा कि हम ये निवार का टुकड़ा जो सूत की निवार होती है काफ़ी मजबूत होती है उसे बांधा गया था, तो ये खुली नहीं और इसकी गांठ, इसलिए मैंने इसको दरवाजे को खींच के जो साइड की चौखट होती है घटनास्थल आप लोगों में भी कईयों ने देखा होगा, मैंने स्वयं देखा है, तो उसकी चौखट उसने दरवाजे को खींचा तो जो चौखट है वो साइड में से टूट गई जिससे साइड से वो भाई उसमें से निकल कर आया। मौके की परिस्थितियाँ क्या थी और इसमें आगे क्या है ये पूरा अनुसंधान से स्पष्ट किया जा सकता है। जब तक पूरे एविडेंसेस कलेक्ट नहीं हो जाते हैं, किसी को भी मर्डर एक ऐसी चीज़ है, हम पुख्ता रूप से जब तक हमारे पास पुख्ता जानकारी ना हो, अनुसंधान अधिकारी को स्पष्ट ना हो कि इसमें क्या घटनाक्रम रहा है, किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अब पूरे अनुसंधान में जितने साक्ष्य आए हैं और मुझे लगता है सफिशियंट साक्ष्य आए हैं जिसके आधार पर उससे पूछताछ की गई, तो व्यक्ति स्वयं भी ने भी अपने इस जुर्म को स्वीकार किया। SHO गोलू वाला यहीं उपस्थित हैं और मुलजिम भी यहीं वो लेकर आए हैं गिरफ्तार शुदा, तो आप विजुअल उसके कर सकते हैं। थैंक यू। शॉर्ट में शॉर्ट में शॉर्ट में।
ठीक है आज गिरफ्तारी होगी तो वो कपड़े वगैरह कवर करने पड़ेंगे वो कपड़े तो बाद में करेंगे मैडम प्रति इतला लगा के करेंगे वहाँ जाना वो सरप्राइज की इतला पे कह रही हूँ आज को लेके जाना पड़ेगा आज गिरफ्तारी वाला गिरफ्तारी करके पेश करो रिमांड लो और इधर से ये पीली बंगला और ये जहाँ जहाँ बताना है रूट वेरीफाई रूट पे जाए ये कंफर्म करना ये डीजल है पेट्रोल है बायोडीजल के वो जो एफ एस एल वाले कह रहे थे कि राजू भाई चार मार्च 2021 को गोलूवाला कस्बे में जो ब्यूटी पार्लर संचालिका है शीतल उसकी जलाकर हत्या कर दी गई थी उसमें पुलिस टीम ने अथक प्रयास किए और निरंतर प्रयासों के बाद कई व्यक्तियों से पूछताछ आसपास के मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके आसूचना संकलन सीडीआर एनालिसिस सीसीटीवी कैमरों के विश्लेषण और पूरे अनुसंधान के बाद पुलिस टीम ने मुलजिम जो कि महिला का पति है और उसके द्वारा महिला की अपने बच्ची को पाने के लिए और महिला पर शक होने की वजह से उसके हत्या किया जाना कबूल किया है इसमें पुलिस को इस हत्याकांड का खुलासा करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैडम जिस तरह से महिला का पति इसका आरोपी निकला शुरू से एक सीसीटीवी फुटेज सामने था तो परिजनों के लिए आइडेंटिफाई करना आसान था चाहे वो ब्लर थी तो क्या इसमें कहीं बीट प्रणाली और आसूचना और जो परिजन है उनकी भी कोई इस तरह की फेलियर सामने आया है? अभी तक तो जो हमारी जानकारी आई है उसके हिसाब से जो मृतका के पति हैं कृष्ण वही इस घटनाक्रम में शामिल रहे हैं और इसमें अन्य परिवारजनों की क्या भूमिका है इसकी निश्चित रूप से अभी और अनुसंधान में जांच की जाएगी और बीट प्रणाली ने या पुलिस ने ज़मीनी तौर पर इसमें बहुत अच्छा काम किया है ह्यूमन इंटेलिजेंस और पूरे विश्लेषण के आधार पर ही हम इस प्रकरण को खोलने में सफल हो पाए। मैडम एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि जो वीर का जो कत्ल है ये पूरा उसको मारने के लिए सिर्फ उसको हल्का सा जलाने के लिए कुछ ऐसा कुछ था मैडम इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? अभी पूरी तरह से तो अनुसंधान अधिकारी इस बात को स्पष्ट कर पाएंगे लेकिन जितनी जानकारी है क्योंकि वो अपनी बच्ची को पाना चाहता था और पत्नी पर शक करता था तो हो सकता है कि उसने उसको जलाने कर डराने का या इस तरीके का प्रयास किया हो और महिला अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा जल गई और मर गई हो ये पूरा वास्तविक क्या स्थिति थी ये पूरे अनुसंधान से ही स्पष्ट हो पाएगा।